हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो लेक्चर क्या थे? हमने बैक्टीरिया का या यू बैक्टीरिया का डिटेल से स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, ठीक है। आज से इस वीडियो लेक्चर से हम डिस्कस करने जा रहे हैं द न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, एज वेल एज रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बेसिकली, ठीक है, एंड सम इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखें कि न्यूट्रिशन क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर। तो सबसे पहले हमें उस टर्म्स का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिशन और व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स बेसिकली, ठीक है। तो बैक्टीरिया तो डिफरेंट टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करेंगे, वो ठीक है, वो ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, फोटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो टर्म्स है न्यूट्रिशन, जो टर्म्स है उसका मीनिंग क्या है और न्यूट्रिएंट्स का मीनिंग क्या है। तो बेटा न्यूट्रिएंट्स को लेने का जो प्रोसेस है इज कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रिशन, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। जबकि न्यूट्रिएंट्स क्या है? दे आर केमिकल कंपाउंड्स जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, एज वेल एज एनर्जी जनरेशन में रोल प्ले करते हैं। तो उन केमिकल कंपाउंड्स या उन केमिकल कंपोजिशंस को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स को लेने का जो प्रोसेस है, ठीक है, द प्रोसेस इज नोन एज द न्यूट्रिशन। तो हम बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है, यू बैक्टीरिया जो है, वो ब्रॉडली दो टाइप से कैटेगराइज किया उनको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। एक तो इस टाइप के बैक्टीरिया होंगे कि जो अपना फूड खुद सिंथेसिस कर लेते हैं। दीज बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड एज द ऑटोट्रॉप्स, वेयर एज द अनदर टाइप बैक्टीरिया विच कांट सिंथेसाइज देयर फूड, दे डिपेंड ऑन द अदर फूड देयर फूड रिक्वायरमेंट, इट मे बी द डेके मैटर और इट मे बी द लिविंग बॉडी बेसिकली। तो सच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया या सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कंसिडर्ड एज द हीटरोट्रॉप्स, उनको हम बोलते हैं क्या, हीटरोट्रॉप्स बेसिकली। जो मैक्सिमम अमाउंट में जो बैक्टीरिया होंगे या वास्ट मेजोरिटी जो बैक्टीरियाज का है, दे आर द हीटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया बेसिकली, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन इन यू बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले तो उस टर्म्स का मीनिंग हमें पता होना चाहिए, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन होता क्या है, एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स बेसिकली, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स तो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि बॉडी को एनर्जी देने का रोल प्ले करते हैं और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं बेसिकली। तो न्यूट्रिशन है क्या, दे आर द केमिकल कंपोनेंट्स, दे आर केमिकल कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स बेसिकली और कंपोजिशन और कंपाउंड, और कंपाउंड, ठीक है, विच प्लेज द रोल इन, विच प्ले द रोल इन एनर्जी जनरेशन एंड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो उन केमिकल कंपाउंड्स को या कंपोजिशन को हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स बेसिकली। जबकि न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इज कंसीडर्ड एज द न्यूट्रिशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स बेसिकली। उन न्यूट्रिएंट्स को लेने का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस इज नोन एज द न्यूट्रिशन, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर, यू बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूट्रिशन है, इट इज ब्रॉडली कैटेगराइज इन टू कैटेगरीज, वन इज ऑटोट्रॉप्स एंड सेकंड इज हीटरोट्रॉप्स बेसिकली। तो बैक्टीरिया आर टू टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और हीटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया बेसिकली, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया को ब्रॉडली क्लासिफाई किया है दो कैटेगरीज के अंदर, वन इज ऑटोट्रॉप्स एंड सेकंड इज
एटेरोट्रॉप्स बेसिकली। पहला तो कौन है? ऑटोट्रॉप्स। ट्रॉप्स ये ऐसे बैक्टीरिया होंगे या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, विच कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड वेस्ट। दे यूटिलाइज सनलाइट और द केमिकल एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड बेसिकली, अपने फूड को बनाने के लिए, ठीक है, वो सनलाइट को भी यूज कर सकते हैं और वो केमिकल कंपाउंड्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कौन से? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। बट ये किसी दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे कि अपने फूड को लेके नहीं बेसिकली, जबकि हीटरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होंगे दे कांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन द अदर फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट बेसिकली, ठीक है। इनको डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज द हीटरोट्रॉप्स, हीटरोट्रॉप्स बेसिकली ट्रॉप्स, माइक्रोब्स विच कांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है, दे डिपेंड ऑन द अदर फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट बेसिकली, ठीक है, दे डिपेंड ऑन डीके मैटर और डेड ऑर्गेनिक मैटर और होस्ट इंडिविजुअल, ठीक है, टू टेक टू प्रिपेयर देयर फूड और टू टेक देयर फूड बेसिकली, ठीक है। फर्दर जो ऑटोट्रॉप्स हैं जो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते अपने फूड को लेके, नहीं, वो खुद अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं, दे आर फर्दर टू टाइप्स। इनको भी हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वन इज फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड सेकेंड इज कीमो ऑटोट्रॉप्स बेसिकली। वन इज फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड सेकेंड इज कीमो ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स बेसिकली। तो इसका मीनिंग क्या है फोटो ऑटोट्रॉप्स का और कीमो ऑटोट्रॉप्स का? फोटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कि सनलाइट को यूटिलाइज करके नहीं अपने बॉडी का एनर्जी एज वेल एज फूड का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। यहाँ जो फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है? प्रिपेयर और सिंथेसिस ऑफ देयर फूड बाय यूटिलाइजिंग द सनलाइट, ठीक है। बट यहाँ फोटोसिंथेसिस जो होगा वो नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगा, इन द सेंस किसी टाइप से ऑक्सीजन का लिबरेशन नहीं होगा, जबकि प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस होगा और ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है, जनरेशन होता है। तो यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी नहीं होगा एज वेल एज ऑक्सीजन का लिबरेशन भी नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। जबकि कीमो ऑटोट्रॉप्स ऐसे माइक्रोब्स होंगे जो कि केमिकल कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करके नहीं जो एनर्जी रिलीज होगा उस एनर्जी से अपना फूड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ये किसी टाइप से सनलाइट को यूटिलाइज नहीं करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो कीमो ऑटोट्रॉप जो है और फोटो ऑटोट्रॉप जो है उनका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक, कि फोटो ऑटोट्रॉप्स का मीनिंग क्या है और कीमो ऑटोट्रॉप्स का मीनिंग क्या है बेसिकली। तो इनको किस टाइप के केमिकल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं या किस टाइप से वो फूड सिंथेसिस कर रहे हैं उनको फर्दर कैटेगराइज किया। फोटो ऑटोट्रॉप्स फर्दर दो टाइप के होंगे और कीमो ऑटोट्रॉप्स भी फर्दर दो टाइप्स के होंगे बेसिकली। अगर लाइट के बेसिस पे, ठीक है, वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को या इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स को ब्रेक करते हैं, ठीक है, या हाइड्रोजन आयन को वो इनऑर्गेनिक मैटर से या इनऑर्गेनिक मटेरियल से या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यूटिलाइज करते हैं तो दे आर कंसिडर्ड एज द फोटोलिथोट्रॉप्स। दूसरा, अगर हाइड्रोजन आयन डोनर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लाइक अमाइनो एसिड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, ठीक है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो गया, ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन आयन डोनर है, ठीक है, तो सच टाइप ऑफ माइक्रोब्स या सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया कंसिडर्ड एज द फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। तो फोटोट्रॉप्स को भी फर्दर दो में डिवाइड किया है, फोटो ऑटोट्रॉप्स भी फर्दर डिवाइड किया है, एक तो फोटो लिथोट्रॉप्स, लिथोट्रॉप्स बेसिकली, और दूसरे फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स, ऑर्गेनोट्रॉप्स बेसिकली ट्रॉप्स, ठीक है। ध्यान रखना कि ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनके केस में तो हाइड्रोजन आयन डोनर जो होगा वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, जबकि इनके केस में फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स के केस में जो हाइड्रोजन आयन डोनर है, ठीक है, दैट इज द ऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर के अंदर चाहे वो फैटी एसिड्स है, चाहे अमाइनो एसिड्स है, या फिर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है बेसिकली। जबकि कीमो ऑटोट्रॉप्स जो होंगे दे ऑल्सो फर्दर टू टाइप,
बताया था ना कि ये तीनों ऑटोट्रॉफ जो किसी टाइप से सनलाइट को यूटिलाइज नहीं करेंगे, ठीक है, जस्ट ये एनर्जी उस केमिकल कंपाउंड को ब्रेक करने के बेसिस पे बनाते हैं, ठीक है, तो उसी से अपना फूड का सिंथेसिस करते हैं बेसिकली। तो ये कीमोऑटोट्रॉप जो है जो किसी टाइप से सनलाइट को यूटिलाइज नहीं करते, दे आर फर्दर टू टाइप। इनके केस में भी कि किस टाइप के मटेरियल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, या तो ऑर्गेनिक मैटर को या ऑर्गेनिक मटेरियल को या ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको बोलेंगे हम कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। इनऑर्गेनिक मटेरियल को अगर वो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो इनको बोलेंगे हम कीमो लिथोट्रॉप्स बेसिकली, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना टर्म हम यहाँ पे फोटो यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ लाइट को यूटिलाइज नहीं किया जाता। कीमो ऑटोट्रॉप्स के केस में लाइट को यूटिलाइज नहीं किया जाता सनलाइट को बेसिकली, ठीक है। तो कीमो ऑटोट्रॉप जो होंगे ना दे आर फर्दर टू टाइप्स, इनको भी हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज कीमो लिथोट्रॉप्स, लिथोट्रॉप्स बेसिकली, एंड सेकेंड इज कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स बेसिकली, ऑर्गेनोट्रॉप, ठीक है। जहां का वर्ड यूज आ रहा है ऑर्गेनोट्रॉप्स, मतलब समझ लेना कि यहाँ ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स उनको ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, ठीक है, और जहां पे भी वर्ड यूज आ रहा है लिथोट्रॉप्स, उसका मतलब है कि ऑक्सीडाइजेबल जो सब्सटेंस है, ठीक है, दे आर द एनऑर्गेनिक मैटर या एनऑर्गेनिक मटीरियल बेसिकली। अब एनऑर्गेनिक मटीरियल के अंदर आयरन भी हो सकता है, वो सल्फर भी हो सकता है, वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरे थिंग्स कि हीटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है जो कि खुद अपना फूड सिंथेसिस नहीं करते, ठीक है, इनको भी फर्दर क्लासिफाई किया है, ठीक है। अब दे आर क्लासिफाइड इन थ्री डिफरेंट कैटेगरीज, उनको भी अलग अलग तीन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया है, ठीक है। फर्स्ट इज सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, सेकेंड इज पैरासाइट, एंड थर्ड इज सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक बेसिकली, ठीक है। तो हीटोट्रॉप जो होंगे वो फर्दर थ्री टाइप के हो सकते हैं, एक में भी सेप्रोफाइट, एक में भी पैरासिटिक और एक में भी सिम्बायोटिक। पैरासिटिक तो वो हीटोट्रॉप्स होंगे जो कि डेड और डिके ऑर्गेनिक जो मैटर होगा वहां से अपना फूड का सिंथेसिस परफॉर्म करेंगे बेसिकली, जबकि पैरासाइट जो होंगे दे ग्रोज ऑन द होस्ट, वो होस्ट की बॉडी के अंदर ग्रो करेंगे और होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, तो उनको हम बोलते हैं क्या, पैरासाइट बेसिकली, ठीक है। जबकि सिम्बायोटिक जो होंगे वो ऐसे बैक्टीरिया जो होंगे जो किसी टाइप से किसी टाइप से होस्ट इंडिविजुअल के लिए या फिर किसी लिविंग के लिए किसी टाइप का हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करेंगे, बट वो क्या है म्यूचुअल शो करेंगे। म्यूचुअल का मीनिंग क्या है कि वो एक दूसरे को बेनिफिट शो करेंगे। बैक्टीरिया तो इन लिविंग को बेनिफिट देगा जबकि लिविंग उस बैक्टीरिया को बेनिफिटेड करेगा बेसिकली। जैसे इकोलाई का केस देखते हैं हम, तो इकोलाई जो है ह्यूमन का इंटेस्टाइन जो होगी ना उस इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है, तो वो ह्यूमन से तो फूड ले रहा है जबकि ह्यूमन को डिफरेंट विटामिन्स दे रहा है बेसिकली, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगी वो रिलेशनशिप इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलेंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में इनको अलग अलग डिस्क्राइब किया है, अलग अलग क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करने, ये ओवरऑल एक चार्ट है ताकि हम उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक बार में देख सकें कि किस किस टाइप के वो यू बैक्टीरिया होंगे बेसिकली, ठीक है। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन ऑटोट्रॉप्स बेसिकली। ऑटोट्रॉप्स तथा ये वो बैक्टीरियाज हैं जो कि अपना फूड सिंथेसिस कर लेते हैं बेसिकली। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, कैन सिंथेसाइज, कैन सिंथेसाइज, कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, देयर ओन फूड, अपना फूड वो खुद बना लेते हैं बेसिकली, ओन फूड, ठीक है। दे यूटिलाइज, दे uses
सनलाइट या दे यूजेस सनलाइट और केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी एनर्जी ठीक है, टू सिंथेसाइज देयर फूड, टू प्रिपेयर देयर फूड, प्रिपेयर देयर फूड बेसिकली देयर अपना फूड बनाने के, ठीक है। तो ऐसे को हम बोलेंगे कम ऑटो ट्रॉप्स बेसिकली। दे डू नॉट डिपेंड ऑन, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, ऑन अदर्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, देयर फूड रिक्वायरमेंट अपने फूड के लिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। फूड रिक्वायरमेंट ठीक है। तो अब इनको ये ऑटोट्रॉप जो है दे आर फर्दर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी दे आर टू टाइप्स, दे आर टू टाइप्स इसलिए वो दो टाइप्स हैं। अब उसने बताया था एक तो फोटो ऑटोट्रॉप्स होंगे, दूसरे कीमो ऑटोट्रॉप्स होंगे। वन इज फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड सेकेंड इज कीमो ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप जो है ऑटो ड्रॉप्स ये ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स दे आर टू टाइप्स। ये फर्दर दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटो ड्रॉप्स ड्रॉप्स एंड सेकेंड इज कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स ऑटो ड्रॉप्स फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स ठीक है। फोटोट्रॉप्स जो होंगे यूटिलाइज सनलाइट ठीक है, और परफॉर्म द फोटो सिंथेसिस बेसिकली। दूसरा एक और थिंग कि ये फोटोट्रॉप जो होंगे ठीक है, इनको फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं, और फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया बैक्टीरिया बोलते हैं, जबकि कीमो ऑटोट्रॉप्स को हम कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स जो है फोटो सिंथेटिक जो बैक्टीरिया है दे यूटिलाइजेस, दे यूटिलाइजेस लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी टू सिंथेसाइज देयर फूड, सिंथेसाइज देयर टू सिंथेसाइज देयर फूड, फूड लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। दे परफॉर्म, दे परफॉर्म नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, नॉन ऑक्सीजनिक नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इन द सेंस इस फोटोसिंथेसिस में किसी टाइप से कोई ऑक्सीजन का लिबरेशन नहीं होगा बेसिकली ठीक है। तो इस टाइप के फोटोसिंथेसिस को हम बोल रहे हैं नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, इन द सेंस नो लिबरेशन ऑफ
नो लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दूसरा थिंग नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बिलक, बट द हाइड्रोजन आयन डोनर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तो हाइड्रोजन आयन का जो डोनर है वो वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या हाइड्रोजन आयन का जो डोनर होगा वो किसी टाइप से वाटर नहीं होगा, तो वाटर नहीं होगा तो कौन सी कंपाउंड जगह पे यूटिलाइज किए जाएंगे, तो हेयर हाइड्रोजन आयन डोनर, बट हाइड्रोजन आयन डोनर, हाइड्रोजन आयन डोनर विल बी अमाइनो एसिड्स फैटी एसिड्स एंड H2S एंड H2S बेसिकली, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन को डोनेट करने का काम करेंगे, तो ये ध्यान रखना थोड़ा इस जगह पे कि इनके केस में हाइड्रोजन आयन डोनर जो है वो या तो H2S होगा या अमाइनो एसिड्स होगा या फिर फैटी एसिड्स होगा, लेकिन कभी भी यहाँ वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन का डोनर नहीं होगा, अदरवाइज इन द फोटोसिंथेसिस द हाइड्रोजन आयन डोनर इज द वाटर मॉलिक्यूल, जब वाटर का फोटोलाइसिस होता है नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में तब वहां ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है एज वेल एज हाइड्रोजन आयन डोनेट किए जाएंगे, ठीक है, लेकिन इस फोटो ऑटोट्रॉप्स के केस में या इस फोटोसिंथेसिस के केस में किसी टाइप से हाइड्रोजन आयन डोनर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, तो अब इस जगह पे उनका सोर्स जो है या हाइड्रोजन आयन डोनर कौन है, ठीक है, इसके बेसिस पे फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं बैक्टीरिया, वन इज द फोटोलिथोट्रॉप्स और सेकेंड इज द फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन डोनर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन डोनर फोटो ऑटोट्रॉप्स आर टू टाइप्स ये भी फर्दर दो टाइप्स है, फर्स्ट इज फोटो लिथोट्रॉप, एंड सेकेंड इज फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स, ठीक है, तो कौन हाइड्रोजन आयन डोनर होगा उसके बेसिस पे फर्दर दो टाइप करेंगे कंपाउंड्स क्या होगा हाइड्रोजन आयन डोनर के लिए, ठीक है, तो या तो फोटोलिथोट्रॉप्स टाइप्स के होंगे या फिर फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स के होंगे बेसिकली, ठीक है, बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन डोनर दे आर टू टाइप, फर्स्ट इज फोटो ऑर्गेनोट्रॉप, ठीक है, सेकेंड इज फोटो लिथोट्रॉप्स, ठीक है, तो फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स में हाइड्रोजन आयन डोनर जो होगा दे आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बेसिकली, ठीक है, हियर हाइड्रोजन आयन डोनर इन दिस केस द हाइड्रोजन आयन आर रिसीव फ्रॉम वो हाइड्रोजन आयन किससे रिसीव किए जाएंगे, फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो वो अमाइनो एसिड या फिर वो फैटी एसिड्स हो सकते हैं, और या फिर वो
आइसो प्रोपाइल एल्कोहल भी हो सकता है, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल एल्कोहल ये भी वो हाइड्रोजन आयन डोनर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल रोडोस्पाइरुलिनम, रोडोस्पाइरुलिनम एंड रोडोसिनोमोनास, रोडो स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास रोडोसिनोमोनास, ठीक है। तो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। नेक्स्ट है फोटोलिथोट्रॉप्स। तो फोटोलिथोट्रॉप्स जो है वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हाइड्रोजन आयन डोनर जो यूज करेंगे, ठीक है, दे आर द एनऑर्गेनिक सल्फर, ठीक है। तो इनके केस में जो हाइड्रोजन आयन डोनर जो है दैट इज द इनऑर्गेनिक सल्फर बेसिकली। तो इन बैक्टीरियाज को हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी बोलते हैं और पर्पल सल्फर बैक्टीरियाज भी बोलते हैं बेसिकली। तो इन दिस केस, इन दिस केस केस हाइड्रोजन आयन डोनर इज, हाइड्रोजन आयन डोनर इज इनऑर्गेनिक सल्फर, इन ऑर्गेनिक सल्फर, इनऑर्गेनिक सल्फर लाइक H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बेसिकली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया बैक्टीरिया एग्जाम्पल क्रोमेडियम, क्रोमेडियम, ठीक है। दूसरे बैक्टीरिया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया जैसे क्लोरोबियम का केस हो गया, क्लोरोबियम बियम क्लोरोबियम, ठीक है। तो दे आर द फोटो ऑटोट्रॉफिक और फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया बेसिकली, ठीक है। तो अनदर वाज द कीमो ऑटोट्रॉप्स बेसिकली। तो कीमो ऑटोट्रॉप के जैसे बताया था कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगे, इन द सेंस उनको सनलाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होगा बेसिकली, नॉन फोटोसिंथेटिक होंगे ये, जस्ट केमिकल कंपाउंड्स को या केमिकल कंपोजिशन को या फिर केमिकल जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको ऑक्सीडाइज करके वहां से जो एनर्जी रिलीज होगा उस एनर्जी को अपना फूड सिंथेसिस में यूटिलाइज करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो सेकेंड जो है दे आर द कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉप जो थे वो दो टाइप के थे, फोटो सॉरी ऑटोट्रॉप जो थे वो दो टाइप के थे, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड सेकंड वाज द कीमो ऑटोट्रॉप्स बेसिकली, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप्स बेसिकली। द सेकंड इज कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ये ऑटोट्रॉप्स थे बेसिकली, ऑटो ट्रॉप्स, ट्रॉप्स, ठीक है। या एनर्जी के बेसिस पर दो में डिवाइड किया था कौन किससे एनर्जी लेता है, सनलाइट से अगर एनर्जी यूज कर रहा था तो उनको बोलना था फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो केमिकल से अगर अपना एनर्जी यूटिलाइज करता है, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स बेसिकली, और इनको कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोला था, और दे आर कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है, कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया। दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया इन द सेंस लाइट एनर्जी को यूज नहीं करेंगे, नॉट यूटिलाइजेस, नॉट uses light energy, light energy, energy, light energy को utilize नहीं करेंगे, ठीक है। They utilize chemical energy, ठीक है, जो कि chemical को oxidation के basis पे जो energy release होगा, ठीक है। अब चाहे organic chemical है या फिर वो inorganic chemical है,
ठीक है, तो उसके ऑक्सीडेशन के बेसिस पे जो एनर्जी लिबरेशन होगा वहां से ही अपना फूड बनाएंगे बेसिकली। दूसरा एक और चीज कि यहाँ पिगमेंट मॉलिक्यूल जो होंगे ना वो एब्सेंट होंगे, पिगमेंट एक ही केस में पिगमेंट एब्सेंट होगा, एब्सेंट। दे यूटिलाइजेस एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड वहां से उससे एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड वहां से वो एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे जैसे, ठीक है ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड द कीमो ऑटोट्रॉफ जो है फॉर द टू टाइप्स का ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड दे आर टू टाइप्स वो दो टाइप्स हैं यहाँ पे, वन इज कीमो लिथोट्रॉप्स एंड सेकेंड इज कीमो ऑटोट्रॉप्स बेसिकली। फर्स्ट इज कीमो the two types, first is chemo lithotrops and second is chemo organotrops basically। तो chemo organotrops और chemo lithotrops ये oxidizing chemical compound के basis पे इनको divide किया है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड जो है ठीक है दिस इज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड देन दे आर द कीमोलिथोट्रॉप्स। तो इनके केस में ऑक्सीडाइजिंग जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा बेसिकली, जैसे कि मीथेन हो गया ठीक है। तो मीथेन को ऑक्सीडाइज करके वो अपना बॉडी का एनर्जी बनाएंगे बेसिकली और उस एनर्जी से फूड का फॉर्मेशन करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो इन दिस केस इन केस ऑफ ऑर्गेनोट्रॉप्स in this case the oxidizing compound or material is organic compound like methane basically, example methanomonas basically, ठीक है। तो methanomonas जो का वो CH4 plus 2 CO2 इसको कन्वर्ट करता है CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मीथेन। तो इसके एनर्जी इससे लिबरेशन से जो एनर्जी रिलीज इससे जो एनर्जी रिलीज होगा एनर्जी उससे वो अपना बॉडी का फूड प्रिपेयर करेंगे। तो ऐसे को बोलेंगे हम कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, जबकि कीमो लिथोट्रॉप्स जो होंगे दे यूटिलाइज द एनऑर्गेनिक मटेरियल ठीक है और एनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर देयर फूड सिंथेसिस और फॉर देयर एनर्जी सिंथेसिस बेसिकली, ठीक है। जबकि और कीमो लिथोट्रॉप जो होंगे दे ऑक्सीडाइजेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली, ठीक है, फॉर एनर्जी जनरेशन एंड फूड सिंथेसिस दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड
इन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर एनर्जी जनरेशन एंड फूड सिंथेसिस बेसिकली फूड सिंथेसिस के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयरन बैक्टीरिया हो गया, सल्फर बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, उसमें कार्बन बैक्टीरिया हो गया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हो गया, दे ऑल आर द कीमोलिथोट्रॉप्स बेसिकली। तो मैं वंडर करने के लिए बता रहा हूँ, आयरन बैक्टीरिया एग्जाम्पल में फर्स्ट जैसे है, फर्स्ट इज आयरन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। तो आयरन जो बैक्टीरिया होंगे वो फेरस को ऑक्सीडाइज करेंगे फेरिक के अंदर, ठीक है, और ऑक्सीडेशन के बेसिस पे जो एनर्जी रिलीज होगा उस एनर्जी को अपना फूड सिंथेसिस में यूटिलाइज करेंगे बेसिकली, ठीक है। दे ऑक्सीडाइज, दे कन्वर्ट और ऑक्सीडाइज फेरस इनटू फेरिक बेसिकली, एंड द लिबरेटेड एनर्जी uses in food synthesis उसको यूज करेंगे किसके अंदर, फूड सिंथेसिस के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ये एफ ही, ये तो फेरस है, दिस फेरस, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है फेरिक के अंदर, ऑक्सीडेशन से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है या एनर्जी रिलीज हुआ है, एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी जो होगा इस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा फूड सिंथेसिस में, एनर्जी यूजेस इन फूड सिंथेसिस बेसिकली। एग्जांपल इन बैक्टीरियाज का फेरोबैसिलस एंड लैप्टोथ्रिक्स बेसिकली, ठीक है। तो फर्स्ट इज द आयरन बैक्टीरिया, सेकेंड इज द सल्फर बैक्टीरिया, तो सल्फर बैक्टीरिया जो होंगे दे यूटिलाइज सल्फर एंड कन्वर्टेड इनटू H2SO4 बेसिकली। तो इस रिएक्शन के टाइम जो एनर्जी रिलीज होगा उस रिलीज एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे एनर्जी जनरेशन के अंदर बेसिकली, ठीक है। दे यूजेस सल्फर एंड कन्वर्टेड इनटू H2SO4 और इस रिएक्शन के टाइम जो एनर्जी रिलीज होगा उसको वो अपना फूड सिंथेसिस में यूटिलाइज करेगा बेसिकली। सपोज ये सल्फर प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स ये कन्वर्ट हो गया H2SO4 के अंदर, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जो एनर्जी का लिबरेशन हुआ है, एनर्जी इसका जो लिबरेशन हुआ उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा फूड सिंथेसिस, यूजेस इन फूड सिंथेसिस बेसिकली। एग्जाम्पल थायोबैसिलस, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स को ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है, वो एग्जाम्पल देके ही क्वेश्चन पूछता है फिर। ठीक है, थर्ड बैक्टीरियाज आर द कार्बन बैक्टीरिया, तो कार्बन जो बैक्टीरियाज होंगे दे कन्वर्ट CO into CO2 बेसिकली, और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एनर्जी जो रिलीज होगा उसको वो फूड सिंथेसिस में यूटिलाइज करेंगे। थर्ड इज द कार्बन बैक्टीरिया
Reutilizes CO and converted into the CO2. They utilizes, ये uses CO and converted into CO2. ठीक है, टू CO प्लस ऑक्सीजन into टू CO2. ठीक है, तो इस क्रिएशन के टाइम जो एनर्जी जनरेशन हुआ है, एनर्जी इसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा यूजेस इन या यूज इन फूड सिंथेसिस. एग्जांपल वैसिलस ओलिगो कार्बोफिलस, ओलिगो कार्बोफिलस फिलस उसी. The fourth bacteria is the nitrifying bacteria. There are nitrifying bacteria. Fourth is nitrifying bacteria. So they oxidize nitrogenous compound. They oxidize nitrogenous compound and obtain energy from it. तो energy जो utilize करेंगे या ओपन करेंगे, ठीक है, तो उस एनर्जी से अपना फूड का सिंथेसिस कर लेंगे बेसिकली. ठीक है, इसमें अमोनिया टू NH3 प्लस 3O2 ये कन्वर्ट हो जाएगा HNO2 के अंदर प्लस 4 हाइड्रोजन आयन प्लस NO2 प्लस 3 12. ग्लू कैलोरी एनर्जी. तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, इस एनर्जी को वो अपने फूड सिंथेसिस में यूटिलाइज करेंगे. ठीक है, तो ये नाइट्राइड जो बना है, इस नाइट्राइड को कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रेट के अंदर टू HNO2 प्लस ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट. टू एच एन ओ थ्री प्लस 38 किलो कैलोरी एनर्जी. अब ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को वो बैक्टीरिया अपने फूड सिंथेसिस में यूटिलाइज कर लेंगे बेसिकली. ठीक है, तो यहां जो बैक्टीरिया है दे आर नाइट्रोकोकस या नाइट्रोबैक्टर. ठीक है, जबकि इस रिएक्शन को जो कैटलाइज करेंगे दे आर द नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस. ठीक है, दीज बैक्टीरिया आर द नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया बेसिकली. ठीक है, ध्यान रखना नाइट्रिफाइंग जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोबैक्टर से रिसीव कर लेंगे. ठीक है, तो दीज ऑल आर द कीमोलिथोट्रॉप्स. तो यहां देखो कि किसी टाइप से वो ऑर्गेनिक मैटर को यूज नहीं कर रहे अपना एनर्जी जनरेशन के लिए, वहां यहां पे वो इनऑर्गेनिक मैटर को यूज कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज कर रहे हैं बेसिकली. ठीक है, और उनके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी लिबरेट हो रहा है उस एनर्जी से ये अपना फूड का सिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस वॉज द कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. ठीक है, नेक्स्ट इज द हीटरोट्रॉप्स. हीटरोट्रॉप्स इन द सेंस ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे यू बैक्टीरिया जो कि अपना फूड फुल सिंथेसिस नहीं कर सकते, दे डिपेंड ऑन द अदर फूड फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट. ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज द हीटरोट्रॉप्स. ध्यान रखना कि दे आर द मैक्सिमम बैक्टीरिया,
ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया इज द हीटरोट्रॉफ्स। तो नेक्स्ट कैटेगरी जो था दैट वाज द हीटरोट्रॉफ्स। ब्रॉडली दो में कैटेगराइज किया था, एक हॉट हीटरोट्रॉफ्स। कैरेक्टरिस्टिक देता ही नैरो ड्रॉप्स, ठीक है। तो हीटरोट्रॉफ जो है दे कांट प्रिपेयर देयर फूड, प्रिपेयर देयर फूड, देयर फूड दे ऑब्टेन इट फ्रॉम, दे obtain it from others, ठीक है, like dead organic matter या डिके ऑर्गेनिक मैटर, डिके ऑर्गेनिक मैटर मैटर और फ्रॉम द लिविंग या फिर वो लिविंग से भी उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि हीटोट्रॉफ जो है दे आर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया, they are majority of bacteria। पूछ लेता है सबसे ज्यादा कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, तो आंसर विल बी द हीटरोट्रॉफ्स बेसिकली, ठीक है। तो हीटरोट्रॉफ जो होंगे वो खुद अपना फूड नहीं बनाएंगे, दूसरे से लेंगे। अब वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकता है और लिविंग से भी हो सकता है। तो यहाँ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से तो वो क्या ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करेंगे, जबकि लिविंग जो होंगे ना वो लिविंग के ऊपर भी ग्रो करके वहां से अपना फूड यूटिलाइज करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे कि किस कहाँ से वो अपना फूड यूटिलाइज कर रहे हैं, या फिर द साइट फ्रॉम वेयर दे ऑब्टेन देयर फूड, दे आर फर्दर कैटेगराइज इन थ्री कैटेगरीज। हीटरोट्रॉफ्स आर फॉर द थ्री टाइप्स बेसिकली, ठीक है। तो यह थ्री टाइप जो होंगे दे आर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग हीटरोट्रॉफ्स आर थ्री टाइप्स आर थ्री टाइप्स वो तीन टाइप्स के थ्री टाइप्स फर्स्ट इज सेफ्रोट्रॉप्स, सेकेंड इज पैरासाइट एंड थर्ड इज सिम्बायोटिक बेसिकली, ठीक है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं, सेफ्रोट्रॉप्स, पैरासाइट एंड सिम्बायोटिक। फर्स्ट इज द सेफ्रोट्रॉप्स, सेफ्रोट्रॉप्स ऐसे हीटरोट्रॉप्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर, दे आर कंसिडर्ड एज सेफ्रोट्रॉप्स। फर्स्ट सेफ्रोट्रॉप्स they are heterotrophs, they are heterotrophs drops which obtain their food from the dead organic matter, food from dead
और डेके ऑर्गेनिक मैटर, डेके ऑर्गेनिक मैटर जो डेके ऑर्गेनिक मैटर होगा ना वहां से अपना फूड यूटिलाइज करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो सेप्टोट्रॉप्स जो होंगे वो सेप्टोट्रॉप्स भी फर्दर दो टाइप का हो सकता है, या तो ऑब्लिगेट सेप्टोट्रॉप्स है या फिर वो फैकल्टेटिव सेप्टोट्रॉप्स है, ठीक है। तो ऑब्लिगेट जो सेप्टोट्रॉप्स हैं दे आर द स्टिकली और कंप्लीटली सेप्टोट्रॉप्स, इन द सेंस ये सिर्फ और सिर्फ अपना फूड जो होंगे ना वो लेड ऑर्गेनिक मैटर से ही यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। जबकि फैकल्टेटिव जो होंगे वो फैकल्टेटिव सेप्टोट्रॉप्स सेप्टोट्रॉफिक है, लेकिन अगर लेड ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल नहीं है तो दे ऑल्सो ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिक, वो लिविंग से भी अपना फूड यूटिलाइज कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये फर्दर दो टाइप के सेप्टोट्रॉप्स भी, दे आर टू टाइप्स ऑफ दैट। वन इज ऑब्लिगेट एंड सेकेंड इज फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव सेप्टोट्रॉप्स, ठीक है। जबकि दे आर ऑब्लिगेट सेप्टोट्रॉप्स, सेप्टोट्रॉप्स, ठीक है। तो जहां का ये वर्ड यूज किया जा रहा है ऑब्लिगेट, तो ऑब्लिगेट का मतलब है स्ट्रिक्ट, दे आर कंप्लीटली सेप्टोट्रॉप्स, इन द सेंस अगर इनको ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिला तो दे कांट सर्वाइव, ठीक है। दे आर कंप्लीटली सेप्टोट्रॉप्स, सेप्टोट्रॉप्स एंड कांट सर्वाइव, कांट सर्वाइव विदाउट डेड ऑर्गेनिक मैटर, विदाउट डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर ये उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल बैसिलस बल्गेरिस, बैसिलस वल्गेरिस, वल्गेरिस बेसिकली। दूसरे फैकल्टेटिव दे आर नॉर्मली सेप्टोट्रॉप्स, सेप्टोट्रॉप्स नॉर्मली तो कैसे हो सेप्टोट्रॉप्स, बट कैन बिकम, कैन बिकम पैरासिटिक, पैरासिटिक बेसिकली, और वो पैरासिटिक भी बन सकते हैं बेसिकली, बाई चांस ऑर्गेनिक मैटर उनको नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि वो डेड हो जाए, ठीक है। तो दे लिविंग ऑर्गेनिज के या लिविंग इंडिविजुअल से भी और पैरासिटिक फॉर्म में भी अपना फूड ले सकते हैं बेसिकली। एग्जाम्पल स्यूडोमोनास, मोनास बेसिकली, स्यूडोमोनास, ठीक है। तो दिस वॉज द सेप्टोट्रॉप्स। तो सेकेंड जो बैक्टीरिया है हीटरोट्रॉप्स, दे आर द पैरासिटिक, ठीक है, जो कि डिजीज देंगे बेसिकली, वो अपने होस्ट के ऊपर ग्रो करेंगे और होस्ट के से ही वो अपना, या होस्ट से ही वो अपना फूड यूटिलाइज करेंगे और लास्ट में उस होस्ट को ही वो डिजीज देंगे बेसिकली। सेकेंड इज पैरासिटिक, पैरासिटिक दे ग्रोज ऑन द, दे ग्रोज ऑन होस्ट, दे ग्रोज और पेन, देयर फूड फ्रॉम द होस्ट, देयर फूड फ्रॉम द होस्ट, होस्ट और लिविंग उनसे अपना फूड यूटिलाइज करेंगे। अब ये भी दो टाइप का हो सकता है, या तो ऑब्लिगेट पैरासाइट है या फिर वो फैकल्टेटिव पैरासाइट है बेसिकली, ठीक है। लेकिन यहां ये चीज ध्यान रखना कि पैरासाइट जो होंगे ना वो ऑब्टेन करेंगे अपना फूड यूटिलाइज करेंगे कहां से, होस्ट से बेसिकली, और फूड यूटिलाइज करके नहीं वो होस्ट को लॉस करके, ठीक है,
एंड कॉजेस एंड दे ऑल्सो कॉजेस दे ऑल्सो कॉजेस लॉस ऑफ होस्ट लॉस ऑफ होस्ट उस होस्ट को फिर बाद में क्या वो डेस्ट्रॉय भी कर देंगे बेसिकली, ठीक है, या फिर वहां से वो यूटिलाइज न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करते रहेंगे या फिर फूड को यूटिलाइज करते रहेंगे बेसिकली, ठीक है। दे आर पैरासाइट भी दो टाइप के होंगे, दे आर टू टाइप्स फर्स्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड सेकेंड इज द फैकल्टेटिव पैरासाइट। फर्स्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड सेकेंड इज फैकल्टेटिव पैरासाइट फर्स्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑब्लिगेट इन द सेंस स्टेटली पैरासाइट विदाउट होस्ट वो सर्वाइव नहीं करेंगे। ऑब्लिगेट पैरासाइट पैरासाइट और दूसरे फैकल्टेटिव पैरासाइट फैकल्टेटिव पैरासाइट, ठीक है। एक तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होंगे, दूसरे फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होंगे। तो ऑब्लिगेट जो पैरासाइट्स हैं दे आर कंप्लीटली पैरासाइट दे आर कंप्लीटली पैरासाइट साइट एंड कांट सर्वाइव एंड कांट सर्वाइव विदाउट होस्ट होस्ट अपने होस्ट के बिना वो सर्वाइव नहीं करेंगे बेसिकली होस्ट और लिविंग लिविंग बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोबैक्टीरियम लैपिड लैपिड जबकि फैकल्टेटिव जो होंगे फैकल्टेटिव जो पैरासाइट्स हैं ये जनरली तो पैरासाइट्स हैं या जनरली तो वो लिविंग के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है, या लिविंग से अपना फूड लेंगे, लेकिन बाय चांस अगर लिविंग नहीं मिला, ठीक है, तो दे बिकम सेप्रोटिक वो कैसा बन जाएगा सेप्रोट्रॉपिक टाइप का बेसिकली। तो दे आर जनरली पैरासिटिक पैरासिटिक जनरली तो कैसा हो पैरासिटिक है बट इन एब्सेंस ऑफ होस्ट एब्सेंस ऑफ होस्ट दे बिकम सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। अगर उनको होस्ट नहीं मिला बाई चांस तो क्या हो डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं या यूटिलाइज कर लेते हैं बेसिकली। जैसे एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस तो ध्यान रखना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज द फैकल्टेटिव पैरासाइट जबकि माइकोबैक्टीरियम नेपरी इज द ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो आई थिंक ऑब्लिगेट और जो सेपरेट ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव जो है उनका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑब्लिगेट जो यहाँ का टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं इन द सेंस को स्ट्रिक्ट उस कंडीशन के लेके नहीं, अब चाहे वो पैरासिटिक का कंडीशन हो या फिर वो सेप्रोफिक का कंडीशन हो बेसिकली। तो सेप्रोफिटिक अगर कंडीशन है या सेप्रोट्रॉपिक अगर कंडीशन है तो वहां पे वो डेड ऑर्गेनिक मटीरियल के स्ट्रिक्ट होंगे, अगर डेड ऑर्गेनिक मटीरियल उनको नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो दे आर द पैरासिटिक। थर्ड हीटोट्रॉप्स इज द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बेसिकली। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होंगे दे सोल्व द सिम्बायोसिस और म्यूचुअल रिलेशनशिप बेसिकली। थर्ड इज सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक जो होंगे
दे सोज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या दे एसोसिएटेड विद लिविंग सिम्बायोटिकली ठीक है, by showing mutual relationship or beneficial relationship basically ठीक है। तो जिसके साथ भी ये एसोसिएटेड रहेंगे वहां एक दूसरे के लिए वो क्या बेनिफिट शो करेंगे बेसिकली ठीक है। जैसे राइजोबियम का केस हो गया, अब राइजोबियम जो है वो रूट के अंदर नोड का फॉर्मेशन करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन पर्पस से ठीक है। तो वहां उस एसोसिएशन में जब राइजोबियम उस नोड के अंदर प्रेजेंट है तो उस एसोसिएशन में वो प्लांट के लिए तो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके दे रहा है लेकिन प्लांट से वो फूड ले रहा है। तो एक दूसरे के बीच में कैसा रिलेशनशिप हो गया वहां पे बेनिफिशियल, या किसी टाइप से कोई हार्मफुल रिलेशनशिप नहीं है बेसिकली ठीक है, या सेल्फिश वाला रिलेशनशिप नहीं है बेसिकली। तो बैक्टीरिया तो प्लांट को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है जबकि प्लांट जो है बैक्टीरिया को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली। जैसे राइजोबियम का चीज एग्जाम्पल राइजोबियम ठीक है, एसोसिएटेड विद द रूट नोड्यूल it associated with the root nodule, symbiotic manner. Here, rhizobium benefited by plant. Benefited by plant. By food basically. तो plant तो यहाँ पे food provide करेगा उसके लिए and plant benefited by nitrogen fixation. तो वो nitrogen fixation से benefited होंगे ठीक है। दूसरा एग्जांपल जैसे इकोलाई का भी एक एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल इज इकोलाई इट सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड विद ह्यूमन इंटेस्टाइन basically. Here, E. coli benefited by human. Here, E. coli benefited by human by providing food. जबकि ह्यूमन इज बेनिफिटेड बाय वेयर एज ह्यूमन इज बेनिफिटेड बाय विटामिन के एंड बी ट्वेल्व सिंथेसाइज्ड बाय ई कोलाई
बाय इकोलाई जो कि इकोलाई सिंथेसिस करेगा बेसिकली, एज वेल एज इट ऑल्सो इनहिबिट, इकोलाई ऑल्सो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द हार्मफुल बैक्टीरिया. इकोलाई ऑल्सो इनहिबिट्स इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन ठीक है. तो उसको बोलते हैं क्या हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो यहां एक दूसरे से बेनिफिटेड हो रहा है ठीक है. तो इकोलाई तो ह्यूमन को विटामिन्स प्रोवाइड सीक्रेट करके दे रहा है या प्रोड्यूस करके दे रहा है, जबकि ह्यूमन जो है उस इकोलाई को फूड सप्लाई कर रहा है बेसिकली. ऐसे राइजोबियम के केस हमने देखा था, राइजोबियम भी सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड था प्लांट के रूट नोड्यूल के साथ. तो वहां पर प्लांट तो उसको फूड सप्लाई कर रहा था जबकि बैक्टीरिया उसको एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके दे रहा था ठीक है. तो उस टाइप के रिलेशनशिप हम बोल रहे थे क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ठीक है. और सिम्बायोटिक टाइप्स बैक्टीरिया में ध्यान रखना हीटोट्रॉफ जो तीन टाइप्स के हो सकते हैं, सेप्रोटिक या सेप्रोट्रॉप्स, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक बेसिकली ठीक है. तो दिस वाज द न्यूट्रिशन इन केस ऑफ यू बैक्टीरिया ठीक है. थैंक यू.